महाराज छोटी सी शादी करो दो दिन की तो भी बहुत व्यवस्था करना पड़ती है। ये तो पांच दिवसीय शिव महापुराण की कथा है और हम तो यही कहेंगे कि वो कहे ना बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा। पांच दिन आप लोगों की सेवा का मौका मिला, सत्संग का मौका मिला, कहीं शंकर की करुणा हुई थी आ गए बातचीत में, उसकी कृपा हुई है इसलिए यहाँ कथा सुनने का मौका मिला। बहुत भाव से आप लोग आए हैं, बहुत भाव से आप लोग रहे प्रसादी आदि की व्यवस्था में। फिर निवेदन करूंगा हमारे कार्यकर्ताओं से, कभी बोलने में तो तकलीफ हो ही जाती है, कोई तेज बोल देता है, नहीं थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुकिए, कहाँ बैठ गए, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा व्यवस्था जमाने के लिए थोड़ा सा तो तेज बोलना पड़ सकता है। दीजियो सत्य कहूं, तेज बोलना उनको भी नहीं आता, पर कंट्रोल करने के लिए माँ अपने बच्चे को इसलिए डांटती है कि बच्चा कहीं बिगड़े ना। रोक पाठक जी, आपके जैसा जजमान मेरे को कहीं नहीं, बहुत सरल, हर चीज में हाँ कर देना। मैं तो कहता हूं भगवान बहुत सहज, बहुत सहज। भाभी जी कथा तो विराम ले रही है पर सत्य बताऊं, आप दोनों ने बड़ी अलमस्ती से कथा का स्थान किया। बहुत समय के बाद कोई ब्राह्मण, वो भी पूजन करने वाला जिसको तनख्वाह के 3,000 रुपए मिलते हों, ऐसा ब्राह्मण जब कथा का यजमान बनता है, इस दिल से कहता हूं बड़ी प्रसन्नता होती है। पंडित कर्म कर लेना, पूजन कर कर थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना एक अलग बात है, पर भाव से शंकर का भजन करना एक अलग बात। नहीं जी जी, फिर भी मेरे को दुख होता है जब किसी के पांव से चढ़ते नहीं बनता, मेरा मन तो दुखता है। मैंने जब सिर भी समाज में ऊपर ही ऊपर के रूम थे, नीचे का हमने हॉल नहीं करा था, पर जब लोगों ने कहा हमको ऊपर नहीं चढ़ते बन रहा, हमने हॉल वाले को तुरंत फोन कर कर कहा, केतन भैया को बोला बोलो हॉल वाले को कि नीचे कुछ गद्दे लगा दे, इनको रुकने की व्यवस्था नीचे हो जाए, मेरा खुद का भी कमरा 2 मंजिल ऊपर है। कई कह रहे थे यहाँ कोई कमरा हो तो दे दो, यहाँ पर हम कोई कार्यकर्ता तक नहीं रुकने की व्यवस्था है तो हम आपको क्या दें। पर जीजियों आपको जब धीमे धीमे चढ़ते हुए सांस फूल रही होती है, ऊपर चढ़ते हो दिल हमारा भी दुखता है, हमको क्या करना, कमरे आपके लिए हैं, भवन आपके हैं, भोजन की व्यवस्था ये सब आपके लिए करी, सब आपके लिए। मैंने तो केतन भैया को भी ये कहा कि भैया उज्जैन नगरी में मैं भोजन कर रहा हूं तो थोड़ा मेरा भी यहां पर खूब आनंद में लगे। केतन भैया ब्राह्मण जजमान बने हैं मुख्य ब्राह्मण, वो कहे नाई नाई से ना लेत, धोबी धोबी से ना लेत, बामन बामन से ना लेत, पूरो ताई का वो पैसा अगर मैं लूंगा मुझे भी दिखाना है मुख। मैंने हमारी भाभी इतनी चतुर है शीला भाभी, उन्होंने कह दिया गुरुजी आप यहाँ का भोजन नहीं करना मत करो, आप गुरुजी के घर का नहीं करना मत करो, हम तो महेश्वरी हैं, हम आपके चेले हैं, हमारे घर का तो करोगे। सुबह से लेकर शाम तक का इस आश्रम का इस भवन का मैंने एक पानी, एक गिलास चाय, एक गिलास दूध नहीं पिया, केवल मेरी ये जीजी भाई ये भाभी जी बनाकर ले आती थी वो पा ले। शीला भाभी धन्यवाद दूंगा, रस्ते में भी रोक कर नाश्ता कराने के लिए आ जाते हो,
साहब मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, हर बार तीरथ में भी कथा होती है तो प्रयास करते हैं हमारा खुद का भोजन बनाने वाला चले, मेरे सियोर से मैं आटा चावल लेकर चलता हूँ क्योंकि आपका पैसा आपको लग जाए, मुझे करना क्या है। मैं खुद कहता हूँ ना कि जोड़ कर क्या करेंगे, लोग कहते बुरा वक्त आएगा संभाल कर रखिए, हम कहते हैं उसका भजन कर कर चलो, बुरा वक्त नहीं आएगा जी, बहुत साथ देता है वो, हर पल हर घड़ी सामने खड़ा मिलता है मेरे को, हर पल मिलता है। एक दिन भोजन कम पड़ा, काशी ओर से भोजन कम आया है, भंडारे का यहां से केवल बोला कोई शक्कर कोई आटा कोई चावल सब पहुंचा दिया भंडारे, होटल धर्मशाला थोड़ी महंगी पड़ी है इसलिए थोड़ा सा लगा था कि भोजन में हाथ खींच कर चलेंगे तो बजट बराबर हो जाएगा, पर जीजियो ये मैजिक ये रिक्शे 3-3 लाख 4-4 लाख इनको जो देना पड़ा, प्रयास करा कि थोड़ा सा बचता तो भोजन में मैं अच्छा खिला सकता था, पर केवल शाम को मीठा दे सकता उसके लिए चमचा था, प्रयास पूरा था मैं अच्छा जितना बना उतना शिव मेरे जजमान का मुख देखता हूँ इतनी प्रसन्न हर पल कहते हैं महाराज जी बहुत बढ़िया आनंद, मेरी भाभी जी बोलती हैं ऐसा आनंद हमने कभी नहीं लिया। ये जी जी मैं केतन भैया को भी धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, कालू भैया आपको भी धन्यवाद, इधर का नाश्ता बंद हुआ तो आपने कह दिया रस्ते में नाश्ता हमारी टीम देगी, इतना सपोर्ट इतना सहजता हर पल खड़े रहना बहुत बहुत निभाया है आपने करा है आप, शिव कृपा करेगा बहुत करेगा, पर जी जी हो अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहेंगे, समिति बहुत सहज है साहब, हम लोगों को छल नहीं है, हम लोग बड़े संत वाले नहीं है कि बहुत एसी के कमरे में हम सोते हो, हमारे घर में सियोर में भी एसी नहीं लगा, कमरे में कूलर भी नहीं है, पंखा में रहते हैं, ये मित्तल बुआ रहती है जीजियों रहती है सब जानती है, सब जान जान कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है सीहोर में, कई बार बड़े बड़े जजमान लोग कहते हैं हम सीहोर आ रहे हैं हमको बुलाने में शर्म आती है क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हम आपको आपके घर में, कई कईयों के बड़े बड़े मठ मंदिर होते हैं तो वो कमरा खोल देते हैं रुकाने के लिए, हमको कहना पड़ता है कि आप कब आएंगे कितनी बजे आएंगे, तो कहते हैं कुर्ती हम तो रात को पहुंच रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ता है कि इनके लिए व्यवस्था क्या करेंगे, किसी को कहकर रख देते हैं, छोटे भाई का एक रूम है हम उसको खाली करवा देते हैं, मम्मी उसमें व्यवस्था कर दे, उसमें रुका देंगे जजमान को, रात को रुकेगा सुबह चले जाएंगे, पूरा प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बेभाव नहीं है, हम दिखावा नहीं जानते, केवल हम कथा करना जानते हैं और हम ये भी नहीं जानते कि इनमें वेदों में शास्त्रों में लिखा गया है, प्रयास करते हैं कि आपका घर सुधरे परिवार सुधरे आप एक होकर चलें, मेरी माताएं घर के बुजुर्ग बहुत दुखी हैं साहब बहुत दुखी हैं, इनके दुख सुनते हैं रात में नींद तक नहीं आती कि ऐसे भी घर हो, 5 दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता देखता हूं, इतनी प्रसन्नता होती है कि मैंने जीवन का खजाना लुटा दिया, जीवन का खजाना आपको दिया, आपका चेहरा प्रसन्न रहे। एक भैया यहां खड़े हो जाते हैं हमारा केवल चेहरा देखते रहते हैं, यहां पर बैठे होंगे कहां है वो केवल चेहरा देखते रहते हैं, हमने पूछा क्या देख रहे हैं, वो कहते हैं केवल प्रसन्नता देखना है और ये प्रसन्नता आपसे हम ग्रहण करना चाहते हैं, जीवन का कोई सा भी मोड़ हो इतने प्रसन्न रहो साहब, बहुत मस्ती बहुत मस्ती।
इतनी अलमस्ती में जिंदगी जीना जी जियो कि अंतिम समय में शंकर तुम्हारे सामने खड़ा। शिव महापुराण की कथा आपको अंतिम समय तक भी घटने नहीं देगी, बड़ा खूब बड़ा खूब उन्नति। बहुत बहुत धनी के लोग यहाँ आए हुए हैं, किन्हीं की कपड़ों की मीलें हैं, किसी की अन्य चीजों की ऑयल की मीलें हैं, किसी की यहाँ खूब करोड़ों का धन है, निवेदन है, फिर भी आपने लाइन से करोड़पति होने के बाद भी लाइन से आप लोगों ने भोजन करा, बहुत प्रेम से स्वीकार करा। जो बना नमक था ना था, मिर्ची थी ना थी, उसके बाद भी आपका हमने पूछा भोजन कैसा बना है, तो भी कहा बहुत बढ़िया गुरु जी, प्रसाद बहुत अच्छा। मेरा बाबा, हमको कोई चमत्कार करना नहीं आता जीजियों, हम कोई ज्योतिषी नहीं जानते, केवल पुराण में जो लिखा है वो बता देते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, पर बाबा निभाता है। आप लोगों के खूब भंडार भरे, कोई कमी ना रखे। 5 दिन की कथा और 84 महादेव जो आपने हमको कराए, आपने हमको कराया, शायद उसको मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इतनी प्रेम से कराया, अलमस्ती में कराया, दासी ठाट से कराया। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे पा सकता है।